तो कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में शनिवार को खाड़ी में डूबने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद रविवार को आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने कोटा श्योपुर मार्ग पर जाम लगा दिया और ग्राम पंचायत पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उचित मुआवजे का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। आपको बता दें कि श्रीरामनगर में रहने वाले त्रिलोक अपने दोस्तों के साथ में खेलने गया था और खेलते समय वो खाड़ी में चला गया। यहां पर गहरा गड्ढा होने से उसमें डूब गया तथा उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने इस पर बच्चे की खोज की, साथ ही में पुलिस और ग्राम पंचायत को सूचना भी दी, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा। इसी बात को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश व्याप्त था। कुछ लड़के जो खाड़ी खाड़ी या एक जगह है, जो नाला है, उसके अंदर खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा उस नाले के जो खड्डा था उसके अंदर गिर गया और डूबने से उसकी मृत्यु हो गई थी। और मृतक का नाम त्रिलोक सन ऑफ रिंकू राठौड़, ये 12 साल का बच्चा था जो वहाँ उधर खेलने के लिए गए थे। फिर उसके परिजनों ने उस बच्चे की बॉडी को तलाश करने के बाद जो मिल गया, उसको पानी से निकाल करके और मंडी गेट के सामने उसकी बॉडी को रोड पे हाईवे पे रख दी। और देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।